एक दिन विजयनगर के राजा विद्याधर और उनके मंत्री सारंगा दोनों भेष बदलकर नगर भ्रमण को निकले। महाराज महाराज महाराज, आपको किसी ने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वो सब छोड़ो, अपने आसपास तो देखो, लोग कितने खुश हैं। अरे आया है भर के पानी जहाज, अरे ले लो भैया आलू और प्याज। जब हम अपनी प्रजा को खुशहाल और आनंदित देखते हैं तो हमारा मन गदगद हो जाता है। देखो सारंग, ऐसा एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जो खुश ना हो। महाराज क्षमा कीजिए, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अर्थात? अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है वही खुश है। अब वास्तव में कितने लोग संतुष्ट हैं? इसकी तो पड़ताल करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है महाराज। हमारे लिए ये जानकारी आवश्यक है कि क्या आप लोग वास्तव में खुश हैं या नहीं। क्या हमारे राज्य में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं या नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई है जो खुश ना हो? मैं तो इतना आनंदित हूँ महाराज कि व्यापार करने के लिए भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती पाई पाई जोड़ के। हमारी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहती है, हमें और क्या चाहिए महाराज। हाँ हाँ, हमारा व्यापार हमारा कारोबार सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम सब खुश हैं। अच्छी बात है मंत्री जी। महाराज महाराज, आपकी बातें सुनकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसकी खुशी में राज्य के सभी सुखी लोगों के लिए कल शाही बागीचा खोल दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे दुर्लभ फल फूल हैं जो आप खा भी सकते हैं या थैले में भरकर ले जा भी सकते हैं। शाही बागीचा जो कि राजा का सबसे प्रिय और खास बागीचा था, जहाँ पर राजा ने देश विदेश से फल फूल मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। आप सब बगीचे का आनंद ले लीजिए। बगीचे के पिछले वाले द्वार पर महाराज आप सबसे भेंट करेंगे। अरे वाह, कितने अच्छे और रसीले फल हैं। अद्भुत, ये बगीचा तो किसी दूसरे लोक का प्रतीत होता है। तुम लोग बातों में ही समय गवाते रहो, मैं तो चला अपना थैला भरने पाई पाई जोड़ के। अरे धक्का क्यों मार रहे हो, मुझे भी तो ले दो। मुझे भी चाहिए, ये मेरा है। अभी तो आधे ही बगीचे की सैर की है और थैला भर भी लिया। ऐसे सुंदर और रसीले फलों से बेहतर और क्या हो सकता है। थोड़ा आगे जाकर तो देखिए। ये बगीचा अंदर से इतना विशाल होगा, सोचा नहीं था। अविश्वसनीय। सुनहरे फल, अद्भुत। अरे वाह, हीरे मोती जड़ित फूल, ये बगीचा तो सच में शाही निकला। इन्हें पाकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा पाई पाई जोड़ के। अरे यही सब तोड़ लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा पाई पाई जोड़ के। अरे देखो महाराज, सुनहरे फल। अरे इसे रखने के लिए तो जगह ही नहीं है, इन्हें निकाल लेता हूँ। अरे छोड़ो, ये मेरा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये मेरा है।
ये मुझे भी चाहिए। अगर आपका मन और थैला भर गया हो तो चलें। महाराज हम सबका दूसरे द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। चलिए मंत्री जी, थोड़े और लेने चाहिए थे। हाँ हाँ, सही कहा। महाराज की जय हो। जाइए जाइए, उस पार महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। इतनी तेज धार, इनको पार करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो महाराज तक पहुंचेंगे कैसे? अरे तुम लोग भी ना, इसे ऐसे पार करेंगे और कैसे? कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, पानी बहुत गहरा है। थैला छोड़ो, वरना पानी के साथ साथ तुम भी बह जाओगे। नहीं नहीं, ये थैला मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे छोड़ दो, बचाओ। मेरे सुनहरे पल, सारी मेहनत गई पानी में। शीघ्रता करें, महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका प्रवाह तो बहुत ही खतरनाक है, नहीं गए तो महाराज नाराज हो जाएंगे और गए तो सुनहरे फल समेत हम भी पानी में डूब जाएंगे। अब करे भी तो क्या करे? अरे मूर्ख, ये क्या किया? सुनहरे फल पानी में ही छोड़ दिए। अगर उस पार राजा जी से मिलना है तो लगता है ये थैला यहीं पर छोड़ना होगा। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? पाई पाई जोड़ के मेरे फल। हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। कल जो लोग संतुष्ट और खुश होने की बात कर रहे थे, उन्हें सुनहरे फल के लालच में देखकर महाराज दुखी होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो खुश दिख रहा था। उसे देख राजा हैरान हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इतनी दौलत हाथ से निकलने का तुम्हें दुख नहीं है? दुख क्यों महाराज, आपने अपने शाही बगीचे में हमें सैर करने का मौका दिया, ये तो हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है। वैसे भी मैंने तो सुनहरे फल लिए ही नहीं, मैंने तो पेट भर के रसीले फल खाए और कुछ अपनी बिटिया के लिए रख लिए थे, जिसे तैरने से पहले छोड़ाना पड़ा। महाराज इसीलिए जो संतुष्ट है वही असल मायने में खुश है। बहुत खूब सारंगा, शाबाश, बाकी लोगों को भी तुमसे ये सीखना चाहिए। और हाँ, ये रहे शाही बागीचे के स्वादिष्ट फल तुम्हारी बेटी के लिए। धन्यवाद महाराज। विजयनगर की सड़कों पर वीरवरा जब अपने घोड़े टप्पू की पीठ पर बैठकर निकलता था तो देखने वालों के तो होश ही उड़ जाते थे। टप्पू की चमकती आंखें, जबरीले बाल, मस्तानी चाल सबको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन सबसे अच्छी लगती थी उड़ानका को। अरे उड़ानका भाई, जरा पाई पाई जोड़ के नए कपड़े तो ले लो, तुम अपने काम से काम रखो। टप्पू को पाने की कोशिश में उड़ानका हर बार औंधे मुंह गिरता।
लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था कभी। चलो दुकान बंद, अब बाद में आना। बड़े अजीब इंसान हो। आ गया वीरवारा पाई पाई जोड़ के। उडानका जब जब टप्पू को देखता उसे घोड़ा नहीं पैसों की पोटली दिखती थी। मेरा टप्पू। अरे बेचारे को चने फुटाने खिला कर कब तक पालेगा? मुझे बेच दे, पाई पाई जोड़ के पकवान खिलाऊंगा इसे। सिक्कों की जरूरत पड़ी तो सोचूंगा, फिलहाल तो इसके लिए चने चाहिए सेठ, ले लूं। अरे पोटली में पाई पाई जोड़ के। ये लो सिक्के, ये और पिछला हिसाब बराबर। फिर हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, जिस दिन टप्पू मेरे हाथ लगा ऐसी ऐसी पूरी 10 पोटली में सौदा करूंगा उसका। पाई पाई जोड़ के तबड़ा 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 तबड़ा। इस घोड़े को तो मैं लेकर रहूंगा पाई पाई जोड़ के। चल मेरे टप्पू, चल मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरे टप्पू, चल चल। बिल्कुल अपने मालिक की तरह ठीक है भाई भाई जोड़ के। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। मेरा टप्पू हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। तू घोड़ा है कि गधा? खा पाई पाई जोड़ के देसी घी के इतने स्वादिष्ट पकवान लाया। उड़ान का टप्पू को चुराने आया था। उसने सोचा रातों रात चुपचाप घोड़ा चुरा के दूसरे नगर में बेच देगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन वो गलत था। ये आवाज कैसी? पाई पाई जोड़ के। रास्ता साफ है। जैसे ही उडानका ने मुंगी चुंगी को देखा उसके दिमाग में एक योजना आ गई। इतनी रात को सेठ तुम भी हमारी तरह चोरी करने लग गए क्या? नहीं, मैंने तो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी शोर मचाकर सबको बुलाऊंगा और राजा जी से इनाम पाऊंगा। चुंगी मुंगी डर कर माफी मांगने लगे। तब उडानका ने अपना अगला दाव खेला। उडानका की योजना थी कि वीरवरा के यहाँ चोरी होने के बाद उसे पैसों की तंगी होगी और मजबूरन उसे टप्पू को बेचना ही पड़ेगा। सेठ, पर उस वीरवरा के घर में चोरी करने जैसा है ही क्या? तो ये बात है। वीरवरा उडानका की सारी योजना सुन चुका था, इसीलिए उसने अपने सारे सिक्के निकालकर पोटली में पत्थर भर दिए। सिक्के? अरे ये क्या? निकल निकल, अरे निकल, अरे निकल जाओ। हम्म,
मिल गए सिक्के। मुझे भी मिल गए। ना उडांका जानता था और ना मुंगी चुंगी कि योजना तो उनकी थी, लेकिन नियंत्रण वीरवरा के पास था। मेरा टप्पू आया कैसे नहीं? आ गया। सेठ। अगले दिन जैसे ही वीरवरा ने घर में चोरी और टप्पू के लिए उधार चने लेने वाली बात कही, तो उडंका बोला, अरे मेरी जान मांग ले तो दे दो पाई पाई जोड़ के, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? एक तरकीब है, तू घोड़ा बेच दे, पूरी दो पोटली सिक्कों की दूंगा। दो पोटली तो ठीक है सेठ, लेकिन बदले में तुम्हें 10 कोड़े भी खाने पड़ेंगे। जोड़ के कोड़े क्यों वीरवारा? मेरा टप्पू जरा नखरे वाला है सेठ, तुमने 10 कोड़े सह लिए तो मान लूंगा इसके नखरे भी सह लोगे। उडांका पक्का व्यापारी था, 10 सिक्कों की पोटली का घोड़ा 2 में मिल रहा था। उसने सोचा इतने मुनाफे के लिए घोड़ों की मार भी सह लेंगे। मेरे टप्पू, हाँ शुरू हो जाओ। वीरवरा ने 2 पोटली लेकर सबके सामने कोड़े मारने शुरू किए। वीरवरा कोड़े मार रहा था, उडांका खा रहा था, लेकिन वो लड्डू तो नहीं था ना कि खाने में मजा आता। 2 जल्दी मार दो। क्या हुआ? तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जा रही सेठ, बाकी के तो बाद में मारूंगा। लेकिन घोड़ा तो दे जा। वो तो 10 कोड़े मारने के बाद दूंगा ना। डंका के साथ होशियारी। उडांका को ना 2 बचे हुए कोड़े मिले और ना टप्पू, लेकिन उसे अपने लालच का फल जरूर मिल गया। तो उपी, मुफ्त की सब्जी चाहिए? हाँ नहीं अम्मा, ना सब्जी चाहिए ना कोड़े, मैं तो चला। थैंक यू अम्मा, प्री धनिया मेरी तरफ से। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.